हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि एक्सेल की हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इफ इफ एंड और इफ और, ये तीन हमने इफ की कंडीशन पढ़ ली थी फॉर्मूला। आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अंदर तीसरी कंडीशन, और ऐसे कई ज्यादा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग नेस्टेड इफ क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा एक ये टेबल दिया है जिसमें नेम दिया है और ग्रेड दिया है। ठीक है, और कंडीशन हमसे पूछा है कि किस ग्रेड का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए, कहा है कि इफ ग्रेड इज ए देन कंडीशन इज वेरी गुड, इफ ग्रेड इज बी देन कंडीशन इज गुड, अदरवाइज ओके। क्या कहा है कि अगर ग्रेड ए है तो कंडीशन क्या होगी, वेरी गुड, अगर ग्रेड बी है तो कंडीशन हो जाएगी गुड, और अगर सी है तो ओके। ठीक है, मतलब ए को वेरी गुड, बी को गुड और सी को ओके। तो हम लोग इसको फॉर्मूला लगाएंगे नेस्टेड इफ का। ठीक है, तो पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ टैब। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या कहा है, ग्रेड वाली सेल दिस सेल इज इक्वल टू, या तो आप लोग डबल कोट में ए लिख दें, ठीक है, और या फिर आप लोग क्या करें, वही सेल सेलेक्ट करके लॉक कर दें। तो हमने लिख दिया फिर कॉमा, तो पूछा कि अगर ये फॉलो करेगा कंडीशन तो क्या आपका ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने कहा वेरी गुड, ठीक है, कॉमा। अब कहा कि अगर ये ना फॉलो करे तब क्या होना चाहिए, तब हमको क्या चाहिए, बी की कंडीशन गुड, तो हम एक और इफ लगा देंगे, टैब कर देंगे। फिर लॉजिकल टेस्ट क्या पूछा, हमने कहा बी एट इज इक्वल टू बी, ठीक है, कॉमा। अब अगर बी रहेगा तब क्या रहेगा, तब हमने कहा कंडीशन रहेगी गुड, गुड, ठीक है, और कॉमा। अब वैल्यू फॉल्स में अगर ए वेरी गुड नहीं पाए और बी गुड ना पाए तो क्या दे, तब हमने कहा कि अब ओके, तो वैल्यू फॉल्स में लिख देंगे ओके। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एक इफ दो इफ बंद और कंट्रोल इंटर। देखिए आंसर आ गया दोस्तों, जहां जहां ए है वहां वहां वेरी गुड, जहां जहां बी है वहां वहां गुड, और जहां सी है वहां ओके। देखिए अब फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा होता है, फायदा यही होता है कि जैसे आप ग्रेड चेंज करेंगे तो आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। देखिए ग्रेड हमने यहाँ पे ए जैसे किया, कंडीशन अपने आप चेंज हो गई वेरी गुड। ये होता है फॉर्मूला लगाने का फायदा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, आपको अगर ये चेंज हो रहा है तो फिर आपको मैनुअली कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रेड जैसे ही हम चेंज करेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद, अपने आप कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये होता है नेस्टेड इफ। तो इफ के हमने चार प्रकार देख लिए, सिंपल इफ, इफ एंड, इफ और नेस्टेड इफ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो हमसे आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।